नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार और झारखंड समेत पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और तमाम जो है बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी चुनावी मैदान में चुनाव की रैलियां संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और भावी जो अध्यक्ष भी होंगे, मायावती ने ये साफ कर दिया है कि वो भावी अध्यक्ष भी होंगे, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि आकाश आनंद को वाई प्लस सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अब आकाश आनंद के बारे में जान लीजिए कि आकाश आनंद साल 2017 में मायावती ने आकाश आनंद को चुनावी मैदान में इंट्रोड्यूस किया था और उस समय विधानसभा के इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश में, उस समय आकाश आनंद मायावती के साथ दिखे थे। लेकिन अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को वाई प्लस सिक्योरिटी मिलना अपने आप में बड़ी खबर है। देखिए, वाई प्लस सिक्योरिटी उन व्यक्तियों को दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से जिनकी जान को खतरा होता है। चूँकि आकाश आनंद अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के हैं और भावी उत्तराधिकारी भी हैं, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला आकाश आनंद के लिए उठाया है और उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। इसी के इतर दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि राजनीति में गिव एंड टेक के आधार पर राजनीति चलती है, अगर आप कुछ देंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसकी सबसे बड़ी वानगी जब दिखी कि अभी राज्यसभा चुनाव का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो बसपा का एकमात्र विधायक उमाशंकर ने बीजेपी के कैंडिडेट संजय सेठ को वोट किया और सपा के कैंडिडेट को वोट नहीं किया। इसी कारण जो कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि संजय सेठ के मत में एक वोट और पड़ा वो जो उमाशंकर का था। हालांकि आकाश आनंद को जो वाई प्लस सिक्योरिटी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो एक महीने पहले ही केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई थी, क्योंकि एक महीने पहले ही जो सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से आकाश आनंद को दे दी गई थी। और सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार आकाश आनंद जो पार्टी के एक सम्मेलन में फरीदाबाद पहुंचे थे, वहां पे इस चीज़ का खुलासा हुआ कि आकाश आनंद को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल चुकी है। कई लोगों का ये भी मानना है कि मायावती ने इस बदले में बीजेपी के साथ ये समझौता किया है कि आप राज्यसभा में हमें वोट करेंगे तो हम आपको वाई प्लस सिक्योरिटी देंगे। ये एक बड़ा बात इस समय राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के समेत पूरे देश में मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया है और मायावती का जो चुनाव है वो अकेले लड़ने का प्लान है। मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कहती आई हैं। तमाम जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है, चाहे भाजपा की तरफ से भी दिया गया हो, लेकिन मायावती ने ये अपना स्टैंड क्लियर किया है कि ना वो बीजेपी के साथ हैं ना वो इंडिया के साथ हैं, वो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच आकाश आनंद की ये खबर ने राजनीतिक गलियारों में भी एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। अब 2024 में देखना ये दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद का नेतृत्व तो जो है वो पार्टी के लिए कितना लाभदायक साबित होगा, क्योंकि अब से पहले सब जब 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा हुए थे उसमें भी आकाश आनंद को उन राज्यों का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन आकाश आनंद का नेतृत्व जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं असफल हुआ था और पार्टी का वोट शेयर वहाँ भी दूसरे राज्यों में गिरा था। उन राज्यों में मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था और तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्य थे, वहाँ पर बसपा का जो वोट शेयर वो पहले के मुकाबले कम हुआ था। लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि आकाश आनंद 2024 में चुनाव भी लड़ सकते हैं और वो लोकसभा सीट होगी नगीना लोकसभा सीट, बिजनौर के अंदर ये लोकसभा सीट आती है नगीना लोकसभा सीट। अब तमाम तरीके की राजनीतिक विश्लेषकों की द्वारा बात करी जा रही है। आप लोगों की इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।